Hello friends, I welcome you all to part 2 of this module on blockchain technology. My name is Kovid Verma और आज के deliverables के बारे में हम बात कर लेते हैं. आज हम जानेंगे दो चीज़ के बारे में, पहला हैश फंक्शन और दूसरा हैश वैल्यू और इसका relevance blockchain technology में क्या है. चलिए मैं आपको एक आसान सवाल देता हूँ, 1 + 2 = 2 कितना होता है? नॉट अ ब्रेनर. 3. प्लस क्या है? प्लस एक मैथमेटिकल फंक्शन है. मैथमेटिकल फंक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, माइनस, इनटू, डिवाइडेड बाय, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. अगर आप चाहें तो आप भी एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट चलिए एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं. तो इस फंक्शन का नाम मैंने रखा थ्रीटा. तो ये थ्रीटा क्या करता है भाई? थ्रीटा वन अगर मैं करूँगा तो इसका आंसर आएगा 40. ये कैसे हो गया? देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है. थ्रीटा वन इज इक्वल्स टू 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5. अगर आप इसको ऐड करोगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर इसका 40 आएगा. ऐसे ही अगर मैं थ्रीटा टू करूँ तो 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 68. मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन में कोई लॉजिक फिट कर दिया, उस लॉजिक के हिसाब से RHS में एक वैल्यू आ जाती है. कोई भी फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है. इनफैक्ट प्रोग्रामर्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फंक्शंस बनाते हैं, जिनमें से एक तरह के फंक्शंस को हम हैश फंक्शंस भी बोलते हैं. इनमें से एक फंक्शन की आज हम बात करेंगे. चलिए अगर मैं 1 वैल्यू लेता हूँ और इसके ऊपर SHA-256 हैश फंक्शन लगाता हूँ तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा. आप बोलोगे कि सर ये आपने कैलकुलेट किया कहाँ और कैसे किया? तो देखो कैसे किया वो मेरे से मत पूछो. इसका कैलकुलेटर एक वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है, ये उसका लिंक है. इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है. तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी वैल्यू का. यहाँ पे हमने 1 का किया है, हम 23 का भी कर सकते हैं. 23 का ये आंसर आएगा. अच्छा 23, 1 वो सब छोड़ो, हम एक स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स का भी कर सकते हैं. मदर इज इल, प्लीज़ कम होम सून, याद करो ये हमने टेलीग्राम में पढ़ा था. तो इसका भी अगर SHA-256 हैश फंक्शन से कैलकुलेट किया जाए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये आएगी. अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, जितना भी ये तीन प्रकार के डेटा लिखे हुए हैं ये वेरिएबल लेंथ के हैं. अच्छा और यहाँ पे जो आंसर आया है, जो हैश वैल्यू आई है वो फिक्स्ड लेंथ की है. और एक और चीज़ देखना, हर अलग अलग डेटा के लिए हैश वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक है. मतलब हर एक डेटा का एक फिक्स्ड हैश वैल्यू है. अब थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं क्या हम चीज कर रहे हैं यहाँ पे. जो SHA-256 हैश फंक्शन है वो बेसिकली क्या कर रहा है? LHS में कोई भी एक इनपुट जो दिया गया है उस पे एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा रहा है और RHS में एक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है. इसको रिवर्स में कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे 2 + 3 = 5, 1 + 4 = 5, 1 + 1 + 2 + 1 ये भी = 5. क्या अगर मैं आपको 5 दे दूँ तो आप बता सकते हो कि इन तीनों में से आंसर क्या है? एक बारी में बता सकते हो क्या? नहीं. आप क्या करोगे, आप 10 बार अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे और मेरे से पूछोगे कि सर क्या ये सही है? तो मैं बोलूँगा नहीं ये सही नहीं है. क्या ये सही है? तो मैं बोलूँगा ये नहीं है. जब तक आप सही आंसर नहीं बता देते, जब तक आप सही वैल्यूज़ जो LHS में वो नहीं बता देते, तब तक मैं आपको बोलता रहूँगा कि आपको सही वैल्यू फाइंड करनी है. तो बेसिकली आपको ट्रायल और एरर से आपको वैल्यू जो है LHS की वो फाइंड करनी रहती है. देखिए इसी कारण से हम बोलते हैं कि डी हैशिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. याद करो पुराने लेक्चर में Part 1 में जिसमें डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें ये वाली स्लाइड आई थी जिसमें हमने वेरिएबल लेंथ के बारे में जाना था, SHA-256 क्या होता है, स्पेसिफिक और फिक्स्ड लेंथ
वाली बात भी हमने देखी थी, और हमने ये बात करी थी कि इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपके ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। चलिए हम लोग डेटा की बात करते हैं। अगेन वही पुराना हमारा जो हमने डेटा की डेफिनेशन निकाली थी, डेटा क्या होता है? इट्स अ वैल्यू, वैल्यू जो एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट करी जाती है। वैल्यू कैसी हो सकती है? क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। इस एग्जाम्पल में राम इज़ वेरी टॉल, राम इज़ 6 फीट टॉल। इसमें वेरिएबल क्या है? हाइट है, और उस हाइट वेरिएबल के लिए हमने ये वैल्यू निकाली है, ये डेटा निकाला है। अब आप मेरे को बताइए कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। एवरी पीस ऑफ डेटा इन दिस यूनिवर्स इज यूनिक। आप चाहो तो पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो और आंसर दे सकते हो। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आंसर देने से पहले चलिए एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आप अगर एक लेटर ए इसको दो अलग अलग पन्नों पे लिखो, लेकिन वो पेपर एकदम सेम होना चाहिए, एक 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 तरह का पेपर होना चाहिए, जैसे रूल्ड पेपर है तो दोनों रूल्ड पेपर होने चाहिए, ठीक है, और वो एक ही पेन से लिखा जाना चाहिए, और आप वो अपने अगर राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से ही लिखा जाना चाहिए, और आप उसको अगर कर्सिव में लिख रहे हो तो एग्जैक्टली उसी स्टाइल में उसको दूसरे वाले पेपर में भी कर्सिव में लिखा रहना चाहिए। देखो अगर आप ये करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये दो अलग अलग, देखो हमने दो पीसेस ऑफ डेटा बना लिए, दो दो ए हैं, लेकिन एक दोनों तो सेम हैं, इसमें दोनों यूनिक कहाँ रहे, एक दूसरे से अलग कैसे रहे? भैया है अलग, क्योंकि दोनों को लिखने का टाइम जो है वो अलग है। आप देख रहे हो हर डेटा यूनिक होता है, हर डेटा यूनिक होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो है उसको यूनिक बना ही देती है डेटा को। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक लाजमी है, एक सवाल आएगा आप लोग के दिमाग में कि ऐसी क्या चीज़ है जो डेटा को यूनिक बनाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसे यूनिक बना देते हैं। चलिए तो हम विजय और विजय की कहानी डिस्कस कर सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल से आप इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। विजय मिश्रा और विजय मिश्रा ये कौन है? दो जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक जो है वो डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियर। इन दोनों के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं? इनके नाम तो एकदम सेम है, तो इनके प्रोफेशंस इन्हें अलग बनाते हैं। अब अगर हमने इनके प्रोफेशंस को इस्तेमाल किया तो हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एक को हम क्या बोल देते हैं? डॉक्टर विजय मिश्रा, और दूसरे को इंजीनियर विजय मिश्रा। इस तरीके से हमने दोनों में डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। दोनों में डिफ्रेंसिएशन कैसे किया? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके। मतलब आप देख रहे हो आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं, लेकिन हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके उन्हें यूनिक नेम दे दिया, दोनों को एक एक यूनिक नाम दे दिया। चलिए अब हमारे आसपास डेटा बनता ही रहता है, हमें उस डेटा को रिकॉर्ड भी करना रहता है। अब उसे अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके उसकी नेमिंग करें उस डेटा की, तो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। याद करिए हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमने पार्ट जीरो में पढ़ा था, डेटा शुड बी रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद अ यूनिक टैग। तो इस स्लाइड में हम अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यह है राम। राम को एक होमवर्क मिला। क्या होमवर्क? कि भैया ए टू जेड तक लिखो। ए टू जेड तक भाई ने लिखा, भाई बहुत खुश। उसने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ना अलग तरीके से अब लिखा जाए, ए टू जेड लिखने में क्या ही चैलेंज है। तो उसने एक कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर में वो लिखने लगा ए बी सी डी ई एफ जेड तक। अच्छा, कंप्यूटर में उसने एक ऐसा लॉजिक फीड किया कि चलो जब भी मैं एक लेटर लिखूंगा तो उसका एक बॉक्स प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे देखिए लेटर ए के लिए एक बॉक्स प्रिपेयर हुआ, और उस बॉक्स में क्या क्या था? उस पीस ऑफ डेटा के लेटर ए के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे लेटर कौन सा लिखा गया? ए। किस कलर से लिखा गया? ब्लैक। किसने लिखा? राम ने लिखा भाई। और टाइम स्टैम्प, मतलब वो एग्जैक्टली किस टाइम पे लिखा गया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पीस ऑफ डेटा मतलब बी के लिए भी एक ऐसे ही बॉक्स बन जाएगा, कंप्यूटर बना देगा। ये डेटा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, अब हम कैसे इस डेटा को यूज़ करें और उसका हैश कैलकुलेट करें? अगेन हम अपनी साइट पे जाएंगे, ये हैश कैलकुलेटर वाली साइट, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जा सकते हैं वहाँ पे, और जो भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है उसको हम एंटर करेंगे।
और उसका एक हैश वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंड बॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ है इसको हम एंटर करेंगे हैश कैलकुलेटर में और उसका एक हैश वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए हैश वैल्यू जो है उसकी फिक्स्ड लेंथ है। ये हैश वैल्यू फिक्स्ड लेंथ का होता है, फिक्स्ड लेंथ मतलब 64 यहाँ पे फिगर्स हैं, दे आर 64 इन नंबर। आप अगर उसको गिनने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 64 है, ठीक है। डेटा कितना भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो 64 ही होती है। हैशिंग क्या होती है, हैश वैल्यू क्या होती है, SHA कैसे काम करता है, और डी हैशिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ लें और अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से देख लें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड टॉक अबाउट ब्लॉकचेन एंड हाउ इज़ इट अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। थैंक यू वेरी मच गाइस।